अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एंड उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। और जैसा कि आज मेरे घर में अफ्तार पार्टी है एंड आई एम ऑल सेट, अभी मेहमानों के आने में आधा घंटा है। सो मैंने सोचा मैं आपको अपनी फाइनल प्रिपरेशंस जो है वो दिखा लूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी लास्ट टाइम जब मेरे घर में अफ्तार पार्टी थी और माई इंस्टाग्राम स्टोरीज के जो है नेक्स्ट टाइम जब आप अफ्तार करें तो हमें सब चीज़ें दिखाएं फ्रॉम स्क्रैच। आई हैव रिकॉर्डेड इट इन बिट्स जो कि मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ। एंड रेसिपीज़, अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई टेबल सेटिंग की और एवरीथिंग की और इफ्तार पार्टी का जो सारा सेटअप है उसकी ज़्यादा लंबी हो गई, तो मैं फिर जो रेसिपीज़ हैं, क्योंकि वो 5-6 रेसिपीज़ हैं सारी चीज़ों की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। खैर, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने ये ट्रेडिशनल कुर्ता पहना हुआ है एंड आई एम वियरिंग दीज इयररिंग्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे घर में पार्टी हो, कोई डिनर हो, लंच हो, तो मैं खुद बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छे से तैयार होती हूँ। मोस्टली गर्ल्स जो है वो नहीं होती तैयार, उनको लगता है कि हमारे घर में आज पार्टी है तो हमें मना है तैयार होना। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, बिकॉज आप खुद जब सब अच्छे लग रहे होते तो आपका भी दिल चाहता है कि यार आप भी अच्छे लगे, आप भी बन सज संवर जाएँ। इट जस्ट टेक 15 मिनट्स, बहुत ज़्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं है। डेली रूटीन का जो मेकअप है आप हल्का सा वो कर ले और अच्छे से नए कपड़े पहन ले। ये मेरा कुर्ता परसों ही पार्सल आया पाकिस्तान से और मैंने आज ही पहन लिया, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। ठीक है, आइए मैं अब आपको घर का टूर कराती हूँ, विजिट कराती हूँ कि मैंने किस तरीके से जो है कहाँ कौन बैठेगा, कैसी सेटिंग होगी, कैसे डिनर की सेटिंग होगी और कैसे जो है मैंने डाइनिंग टेबल सेट किया हुआ है अफ्तार आइटम्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अच्छा जी, जैसा कि आप देख सकते हैं सफाइयाँ शफाइयाँ हो चुकी हैं और यहाँ से गेस्ट एंटर होंगे। ठीक है, ये मेरा एंट्रेंस है एंड दिस इज़ माय फॉर्मल लाउंज। और बंदे जो हैं वो यहाँ पे बैठ जाते हैं। काफ़ी सारी सिटिंग है यहाँ पे, 9-10-12 बंदे भी आराम से बैठ जाते हैं। मैंने सारी लाइट्स ऑन कर दी हैं बिकॉज आई लव टू टर्न ऑन द लाइट्स और मुझे मज़ा आता है। सो इधर बंदे बैठेंगे, आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो किचन है, किचन में जो है ना मुझे कोई भी चीज़ शेल्फ पे अच्छी नहीं लगती। अभी ये चावलों का पतीला पड़ा हुआ है, इसको भी मैंने अंदर डाल देना है। मैंने पुलाव बनाया है, यखनी पुलाव बनाया है, इसकी भी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की है, देख सकते हैं आपको मज़े का लग रहा है। एवरी वन लव्स माई पुलाव। तो पिछली दफ़ा मैंने बिरयानी बनाई थी इसलिए इस दफ़ा मैंने पुलाव बना लिया है। हमेशा याद रखें कि पार्टी मैनेज करते वक्त ये सोचा करें कि जो एंड में खाना बचता है वो आपने खुद खाना होता है, तो वो चीज़ें हर दफ़ा सेम बनाएंगे अगर आप तो आपसे नहीं खाई जाएंगी। अच्छा जी, ये मेरा बेंच टॉप है और यहाँ पर मैं डिनर सर्व करती हूँ। मैं जो है डिनर और इफ्तार दोनों एक साथ सर्व कर देती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम रोज़ा खोलते ही फ़ौरन खाना खाते हैं इफ्तारी के साथ। सो अगर किसी ने बाद में खाना होता है नमाज पढ़ के तो उसके लिए हम गरम कर लेते हैं, और अगर किसी ने फ़ौरन साथ खाना होता है तो वो साथ खा लेता है। ये मैंने डिशेस पहले ही निकाल के रख दी हैं। इसमें रोटी जाएगी, इसमें सालन जाएगा, अचार गोश्त का सालन जो कि मैंने केटरिंग करवाई है जिसकी, वो इसमें जाएगा, चिकन अचार गोश्त, और इसमें राइस जाएंगे एंड देन यहाँ पे पास्ता जाएगा, उसकी भी मैंने केटरिंग कराई है। आई जस्ट गेट द डिलीवरी एंड देन उसको जो है मैं डिश आउट कर दूंगी। जब मेहमान आ जाएंगे उसके बाद मैं चीज़ें डिश आउट करूंगी। ठीक है, ये हो गया। एंड डाइनिंग टेबल को जो है मैंने उसका सेटअप अलग से किया हुआ है, जैसे जो मेरा रमदान डेकोर का कॉर्नर था वो पूरे का पूरा उसी साइड पे है। चेयर्स जो है हम लोग निकाल के बाहर लगा देते हैं ताकि बैठने में आसानी हो जाती है। लेडीज़ और बच्चे जो हैं वो इस साइड पे बैठ जाते हैं। मैंने सारी लाइट्स ऑन कर दी हैं और फेरी लाइट्स काफ़ी ज़्यादा हैं मेरे घर में। एंड ये आइए मैं आपको अपनी भी तैयारी दिखा दूँ। ये मेरा नया खुस्सा पाकिस्तान से आया है, परसों आया है। ये भी मैंने मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने पहन लिया है। और ये मियाँ साहब जो हैं जो कि एंड में क्रेडिट ले जाएंगे सारा। अच्छा जी, मियाँ साहब क्रेडिट लेके भाग चुके हैं ऑलरेडी।
एनीवेज ये जो मेरा लास्ट रूम है यहाँ पे मैंने रूम खाली कर दिया था, फर्नीचर इसका सारा मैंने आई हैव जस्ट थ्रोन अवे बिकॉज काफ़ी पुराना हो गया था वो, तो मैंने इसको बेसिकली अपना स्टडी रूम कम ऑफिस बनाना है, जो कि इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट आफ्टर रमज़ान बिकॉज रमज़ान में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। सो हमारा ये अच्छा खासा यूटिलाइज हो गया ये कमरा फॉर द रमज़ान पर्पज़, और मैंने यहाँ पे वाइट चादरें बिछा दी हैं और जाय नमाज जैसा कि दो तीन ही होते हैं घर में, ज़्यादा नहीं होते हैं, तो बस दो जाय नमाज हैं और वाइट चादरें बिछा दी हैं। यहाँ पे पहले मर्द नमाज पढ़ेंगे और फिर औरतें पढ़ लेंगी। मैंने दो चेयर्स भी एक्स्ट्रा रख दी हैं प्लास्टिक की, ताकि अगर कोई बैठ के नमाज पढ़ना चाहता है तो वो बैठ के भी पढ़ सकता है। एंड दिस शोज़ माई बैक यार्ड एज वेल। आइए अब मैं टेबल सेटिंग दिखाती हूँ आपको कि मैंने किस तरीके से किया है। जी जनाब, जो चीज़ें मैं पहले से रेडी कर सकती थी, लाइक रेडी तो मैंने सब कर लिया, लेकिन जो मैं पहले रख सकती हूँ टेबल पे वो मैंने ऑलरेडी रख दी हुई हैं। मैंने चना चाट रखी है, इसके अंदर कोकोनट बॉल्स हैं, स्वीट बॉल्स हैं, और लास्ट टाइम मैंने ब्राउनी बनाई थी, इस दफ़ा मैंने ये बनाया। मैं खजूर के साथ कुछ ना कुछ इस तरह का छोटा मीठा आइटम ज़रूर बनाती हूँ रोज़ा खोलते ही फ़ौरन। समटाइम्स कुछ लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है तो वो लोग खा सकते हैं। एंड इस प्लेट में मैं मिनी पिज़्ज़ा सर्व करूँगी, वो भी मैंने ऑलरेडी रख ली हुई है। ये दही भल्ले हैं, ये मैंने अभी निकाल के रखे हैं आपको दिखाने के लिए। ये फ्रूट चाट है, एंड देन ये मेरा जो रमज़ान डेकोर का सेटअप है वो आप लोगों ने देखा हुआ है। इसमें जाएंगे चिकन पैटीज, और इसमें जाएंगे पोटैटो बॉल्स, जाएंगे चिकन एंड पोटैटो बॉल्स, और वो डेट्स हैं। सो ये पूरा इफ्तार की साइड का सेटअप हो गया है। अच्छा, इसका मैं आप लोगों को आइडिया देती चलूँ कि try to make more items for जो है ना अफ्तार, जैसे कि मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 items बनाए हैं, लेकिन इनकी quantity मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखी है। 21 adults हैं जिनके लिए आप लोग quantity देख सकते हैं कि too much नहीं है। मैंने एक bowl भर के जो है वो fruit chaat का बनाया है, एक bowl दही भल्लों का है, एक बड़ा bowl चना चाट का है। अंदर से भी आप लोग झांके, इसकी मैंने रेसिपी रिकॉर्ड की हुई है चना चाट की। मेरी चना चाट काफ़ी फेमस है मेरी फ्रेंड्स में और सबको बड़ी अच्छी लगती है, सो आई थॉट कि मैं इसकी भी रेसिपी रिकॉर्ड कर लूँ। नथिंग ह्यूज, लेकिन मज़े की बनती है तो मैंने रिकॉर्ड की है। स्वीट बॉल्स की भी मैंने रेसिपी रिकॉर्ड की है। दही भल्लों में मैंने कुछ भी नहीं किया, बस चाट मसाला वगैरह डाला है, एंड देन फुल्की मैंने रेडीमेड वाली यूज़ की है। फ्रूट चाट में मैं चीनी, चाट मसाला, इमली की चटनी और ऑरेंज जूस डालती हूँ, एंड दैट्स इट, और मैं कुछ नहीं डालती। बाकी चिकन पैटीज और पोटैटो बॉल्स की भी रेसिपी इंशाल्लाह आई विल शेयर, क्योंकि वो भी मैंने रिकॉर्ड की हुई है। यहाँ से मेरा बैकयार्ड भी नज़र आ रहा है। अच्छा, विंडोज़ जो हैं उनके ब्लाइंड्स मैं आगे नहीं करती। अनदर ट्रिक विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज, बहुत सारे लोगों को पता भी होगी, लेकिन अगर आपको नहीं पता और आपके घर में इस तरीके से ब्लाइंड्स हैं और बड़ी विंडोज़ हैं और सिटिंग एरिया इज़ नॉट वेरी ह्यूज जस्ट लाइक माइन, मेरा बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं है लाउंज, इज़ जस्ट ऑफ अ नॉर्मल साइज, और इसी के अंदर डाइनिंग भी है, दो चीज़ें इकट्ठी हैं तो कंजस्टेड लगता है। इस वजह से मैं ब्लाइंड्स जो है आई जस्ट कीप देम ओपन। इससे क्या होता है कि बड़ा लुक आता है, लाइक खुला खुला लुक आता है। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो फिर ऐसा लगता है कि वो डब्बा सा, बॉक्स सा बंद हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, इधर भी फेरी लाइट्स वगैरह जो है वो ऑन हो चुकी हैं सारी, आप लोग देख सकते हैं सारी ही आज मैंने लाइट्स ऑन कर ली हैं। एंड हियर इज अनदर मिरर। मिरर्स बहुत है मेरे घर में, क्योंकि मैं अपनी फेवरेट हूँ और मुझे अपने आप को शीशे में बार बार देखने का बहुत शौक है। सॉरी फॉर द शोदी। अच्छा जी, जो लास्ट टाइम आग लगी थी ना वो इस तरीके से लगी थी, मैं आप लोगों को बताती हूँ। इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम तो आपको पता होगा, यहाँ पे कैंडल पड़ी हुई थी। अब देखें आप लोग कितना ऑब्वियस है, द कैंडल वॉज हियर एंड आमिर लेफ्ट द देगचा हियर। ठीक है, और यहाँ से वो उसका कपड़ा जो है वो इसके अंदर लगा, एंड देन द होल थिंग वॉज बर्निंग व्हेन आई केम हियर। मुझे वहाँ से, जब मैं वहाँ उस साइड से आ रही थी तो जो सामने टीवी है उसके अंदर मुझे ऑलरेडी शोले नज़र आ रहे थे आपके, या इट वॉज़ दैट बैड। अच्छा, ये लेफ्ट साइड पे जो है मैंने डिस्पोजेबल्स रखे हैं,
आप लोग चाहें तो असली पेड्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग होते हैं तो मैं नहीं करती, बिकॉज फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली इफ्तारी में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ लोग इफ्तारी अलग करते हैं और डिनर अलग खाते हैं, तो फिर आपको दो दो दफ़ा धोनी पड़ती है। ये जो स्टूल्स हैं, बार स्टूल्स हैं, ये भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी, थोड़ा साइड पर कर दूँगी जब मेहमान आने वाले होंगे, और जो है ताकि दोनों साइड से लोग ले सकें खाना और रश ना हो। आई विल ट्राई टू सर्व राइस इन टू डिशेज एज वेल, क्योंकि राइस ज़्यादा लोग खाते हैं तो वो फिर एकदम कंजेस्टेड हो जाता है। यहाँ पे मैंने अपनी ड्रिंक रखी हुई है, इसकी भी रेसिपी रिकॉर्ड हो चुकी है, सो डोंट वरी गाइज, इट्स कमिंग। एंड हेयर इज़ वाटर। ड्रिंक्स जो हैं वो फ्रिज में पड़ी हुई है हमारी, वो हम निकाल के यहाँ रख देंगे। अच्छा, अभी तो मैं आप लोगों को ऐसी फर्जी बता रही हूँ सारी, कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी कैसे जाएगी, बट जैसे ही मैं सारी चीज़ें बाहर निकाल के रख दूँगी मेहमानों के आने से जस्ट लाइक 5 मिनट्स पहले, तो मैं इंशाल्लाह आपको फिर उसका भी दिखाऊंगी। अच्छा, जो बाकी चीज़ें वो मैंने कहाँ रखी हुई हैं मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। अवन को हल्का सा गर्म कर देती हूँ मैं, जैसे कि अभी भी यहाँ पर मैं हाथ लगा रही हूँ तो अंदर से गर्माइश आ रही है। एंड वो देखिए मेरे चिकन पैटिस पड़े हुए हैं, ये पिज्ज़ाज हैं, मिनी पिज्ज़ाज हैं, और ये जो है ना वो पोटैटो एंड चिकन बॉल्स हैं। सो मैंने पहले ही बेक कर लिया था, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 2 आवर्स हो गए हैं, फ्राई भी करके बेक करके मैं इसके अंदर रख देती हूँ। अब मैं गर्म करने के लिए जो पोटैटो बॉल्स हैं इनको मैं एयर फ्रायर में डालूंगी जस्ट फॉर 1 मिनट एंड दे विल बी रेडी टू गो। बाकी मिनी पिज्ज़ाज और जो पैटिस हैं उसके लिए जो है मैं थोड़ा सा देर लाइक 1 to 2 मिनट्स अवन चला दूंगी, तो वो भी बिल्कुल फ्रेश और गर्म हो जाएंगे एंड देन आई विल सर्व। अच्छा जी, ये तो हो गया अभी के लिए, फिर देखते हैं हमारे गेस्ट जो हैं वो आने वाले हैं। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर साहब बड़े जोश व खरोश के साथ एंड में आकर और ड्रिंक के अंदर जो है वो बर्फ़ डाल रहे हैं और उंगली कटवा के शहीदों में अपना नाम लिखवाना चाह रहे हैं। एनीवेज, मेहमान आ चुके हैं और सारा टेबल स्प्रेड जो है वो रेडी हो चुका है। चना चाट आप देख सकते हैं, ये जो स्वीट बॉल्स हैं मैंने वो दिखाई थी, पिज़्ज़ा बाइट्स भी जो है वो अब आ चुकी हैं टेबल पे, दही भल्ले, फ्रूट चाट, एंड ये मेरी डेकोर है छोटी सी, एंड देन चिकन पैटीज जो हैं वो भी मैंने रख दिए हैं अपनी जगह पे, एंड चिकन एंड पोटैटो बॉल्स और डेट्स भी आ चुकी हैं। So this is how overall my table iftar table is looking. आइए अब खाना दिखाती हूँ मैं आपको। ये चिकन अचार गोश्त है जो कि मैंने जिसकी केटरिंग करवाई है, पास्ता भी मैंने केटरिंग करवाई है, एंड देन ये पुलाव है जो कि मैंने ख़ुद बनाया है, रोटी आ चुकी है, ड्रिंक्स आ चुकी हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड दूसरी ड्रिंक भी है इधर। सो दिस इज़ माई खाना। अब मीठे की बारी है, ये बर्फ़ी है जो कि मेरी मदर इन लॉ बना के लेकर आई हैं, एंड देन उसके बाद आइसक्रीम है जो कि हमारे एक मेहमान लेकर आए हैं भाई, एंड देन चीज़ केक शॉप्स का ये कैरामल वाला केक है, स्ट्रॉबेरी डिलाइट है जो कि मैंने खुद बनाई है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें।